हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? आज हम देख रहे हैं इंग्लिश के लिए जो पिछला ईओ का पेपर था उसके लिए डिवाइडेशन था, जो 20 क्वेश्चन हमारे होते हैं। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनका इस तरह से डिवाइडेशन था, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड के, तीन तीन सिनोनिम एंटोनिम के और वन वर्ड के 2 क्वेश्चन थे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टैग के 2 क्वेश्चन थे, फ्रेजल वर्ब के 4 क्वेश्चन थे, एरर के 3 क्वेश्चन थे, प्रिपोजिशन का 1 क्वेश्चन था। फ्रेजल वर्ब के 4 तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे और एरर में भी 3 में से जो 2 क्वेश्चन थे वो फ्रेजल वर्ब के थे, 1 क्वेश्चन नाउन का था सिर्फ। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है इस एग्जाम में। 6 नंबर 6 क्वेश्चन पिछली बार इससे आए थे। अब बच्चे कहते हैं कि सर जो पिछली बार आया था वैसा ही इस बार आएगा क्या? जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस होता है वो हमको ये बताता है कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के नंबर जनरली वही रहते हैं। ठीक है, दो दो वन वर्ड आइडियम्स, तीन तीन सिनोनिम एंटोनिम, क्वेश्चन टैग वही रहेगा, इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बुक है एसपी बख्शी की, ठीक है, इससे मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें सारे टॉपिक हैं, वन वर्ड भी है, सिनोनिम एंटोनिम भी है, फ्रेजल वर्ब, क्वेश्चन टैग। इनमें जो सबसे सिंपल टॉपिक है वो तो क्वेश्चन टैग है। ठीक है, ये 2 नंबर तो कहीं जाने ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो एक बार पढ़ोगे आप कभी भी गलत नहीं करोगे। इंग्लिश भी देखिए मैथ्स की तरह जो है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, एक बार आप पढ़ोगे फिर आप कोई भी पेपर दो आप कहीं भी उसको गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये भी मैथ्स की तरह आपने एक बार पढ़ा और उसके बाद आप कभी भी हमेशा तैयार रहेंगे, कभी भी उठ के इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट पेपर है, होता है, हर एग्जाम का पार्ट भी होता है और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत होती है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो आपको टाइम मिला है कोरोना की वजह से, इसमें अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मैथ्स इंग्लिश को, तो आगे के पेपर्स में आपको हर जगह एडवांटेज देगा। अगर हम पिछले इस पेपर की ही बात करें तो सिनोनिम एंटोनिम कुछ खास नहीं पूछे गए, फंडामेंटल, रिलक्टेंट, ठीक है, इमेक्यूलेट, तो इस तरह के शब्द थे जो कोई बहुत खास नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वन वर्ड देखा जाए तो क्रेच के लिए पूछा गया। ठीक है, आइडियम्स फ्रेजेस जो है वो योमैन सर्विस और क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है, कोई खास नहीं थे। क्वेश्चन टैग तो सिंपल होते ही है। फ्रेजल वर्ब कोई ऐसे बहुत टफ नहीं पूछे गए। प्रपोजिशन हैंड टू माउथ जो एक बहुत सिंपल सा सब जानते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में भी 20 में से 20 नंबर लाए जा सकते थे अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ने का फर्क होता है, बुक तो सबके पास है। ठीक है, बुक सबके पास होती है, फिर भी कोई 10 से 12 नंबर पे रह जाता है और कोई 20 में से 20 लाता है, कोई 18 19 लाता है। फर्क क्या होता है, आपको रटना नहीं होता किसी भी चीज को। आप प्रीपोजिशंस को रटने की कोशिश करते हैं, फ्रेजल वर्ब को रटने की कोशिश करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इनको रटने की कोशिश करते हैं। रटने से नहीं होता, अगर आप एक बार समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप रटने की उसको कोशिश करेंगे तो फिर आपको बार बार रटना ही पड़ेगा और उससे भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब इस बुक से या किसी भी बुक से आप 6 7 बार रट लो, तब भी जब आप पेपर देने जाओगे आपको रटना ही पड़ेगा, और रटा हुआ बच्चा गलत करेगा फिर भी। ठीक है, इसी तरह वन वर्ड है, इसी तरह आइडियम्स है, कितनी भी बार रट के आपको फिर से भी रटना पड़ेगा और तब भी आप गलत करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि इंग्लिश में आप गलत क्या कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि रटना नहीं होता। जैसे हमारे हिंदी में रूट्स होती हैं, हिंदी में जड़ होती है किसी चीज की, ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में भी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। जैसे सोना एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, नींद के लिए आता है इंग्लिश में, ठीक है, तो इसके आगे मैं एम्बुलिस्ट लगा दूंगा, सोमनेम्बुलिस्ट हो जाएगा, तो वो नींद में चलने वाला हो जाएगा। लोकिस्ट लगा दूंगा तो वो बोलने के लिए आता है, तो नींद में बोलने वाला हो जाएगा। केक को जो आता है वो एक कर्कश, कर्कश के लिए आता है, ठीक है, तो केक को फोनी में आगे लगा दूंगा तो वो कर्कश ध्वनि हो जाएगा। केक को लॉजिस्ट लगा दूंगा तो गंदा लिखने वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चीज आप रूट्स के साथ अगर याद रखेंगे, आई से जो भी, मतलब जैसे हिंदी में अ लगाया जाता है उसी तरह इंग्लिश में आई इररिपेरेबल, इनकॉरिजेबल, इररिलेवेंट, इनटेंजिबल, इररिपेरेबल, इनडिस्पेंसेबल, कुछ भी जिसमें आगे लगता जाएगा वो काम खत्म होता जाएगा। रिपेरेबल यानी रिपेयर हो सकता है, इररिपेरेबल यानी रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई जहां जहां आई एन आई आर ई लगते जाएंगे उसका उल्टा मतलब होता जाएगा।
तो इस तरीके से पढ़ना होता है, सिनोनिम एंटोनिम, ये नहीं कि आप बुक्स में से रट लो उसको, ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता, अगर आप उसको समझ के पढ़ोगे, एक एक शब्द को समझ के पढ़ोगे, रूट्स के हिसाब से पढ़ोगे। रूट्स के लिए एक बहुत अच्छी बुक है नॉर्मन लुइस की, वर्ड पावर मेड इजी, अगर वो नहीं है आपके पास तो वो ऑनलाइन भी मिल जाती है, अगर ऑनलाइन भी नहीं है तो आप जब पढ़ेंगे शब्दों को तो थोड़ा देख के पढ़िए जो एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हैं तो सारे एक साथ, रूट्स के हैं तो सारे एक साथ, ठीक है, फोबिया है सारे एक साथ, फ्रेजल वर्ब, एक एक समझ के पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लुक इन टू द मैटर अलग चीज हो जाएगी, लुक फॉरवर्ड अलग हो जाएगा, ठीक है, लुक आफ्टर अलग हो जाएगा, गेट इन अलग हो जाएगा, गेट इन टू अलग हो जाएगा, गेट ऑफ अलग हो जाएगा, गेट ऑन अलग हो जाएगा, तो एक एक अक्षर से सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन, कई बच्चे इसको मिक्स करते हैं फ्रेजल वर्ब से, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज होती है, ठीक है, इसमें भी वही समझ के आपको पढ़ना है। ये तीनों चीजों की तैयारी तो एक साथ आपकी होती है, सिनोनिम एंटोनिम और वन वर्ड, ये अगर आप रूट से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये तीनों आपके एक साथ तैयार होते हैं, और ऐसे तैयार होते हैं कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आइडियम्स फ्रेजेस को कैसे पढ़ना होता है, आइडियम्स फ्रेजेस को आपको उसका अर्थ निकाल के पढ़ना होता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे बीट इन द एयर, अगर आप हवा में कुछ मार रहे हो तो इसका कोई फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये बेकार है, तो इसका मतलब क्या है, यूजलेस एफर्ट्स, ठीक है। बीटिंग अराउंड द बुश, आप किसी झाड़ी में इधर उधर मार रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं इधर उधर की बातें करना, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से कुछ लाभ हो गया, ठीक है, तो तभी बोलोगे कि यार ऊपर से कुछ मुझे मिल गया। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, दूध फैल गया उसके बाद रोने से क्या होगा, यानी यूजलेस वरिंग। तो अगर आप थोड़ा सा सोच के आप उसको पढ़ते हो, ठीक है, थोड़ा सा आप उसमें दिमाग लगाते हो कि ये कहना क्या चाह रही है, थोड़ा सा उसके शब्दों पर जाते हो, इस तरीके से पढ़ते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये तीनों आप रूट से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन टैग तो सिंपल है, एक बार पढ़ोगे कभी गलत नहीं करोगे। फ्रेजल वर्ब को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेम प्रीपोजिशन, ठीक है। तो 20 में से 20 नंबर भी लाए जा सकते हैं, 18-19 तो डेफिनेटली आने चाहिए, और अगर यहाँ से आप इतने नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा एक एज हो जाएगा। मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर के वैसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर ये पोर्शन आप कवर करके जाते हैं तो आपको स्पेशल से बहुत ही कम नंबर लाने को रहते हैं, आपका सारा काम ये सब्जेक्ट कर देंगे और आपका सिलेक्शन एक तरीके से गारंटी ये कर देंगे, ठीक है। तो समझ के इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप 20 में से 20 नहीं तो 18-19 तक तो ला ही सकते हैं। एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ के पढ़ना, ठीक है। तो कोई भी आपको दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में तो बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे, या किसी भी और पेपर के लिए भी आपको लगता है कि मैं इस तरह का एनालिसिस या कुछ सपोर्ट आपको करूं तो मुझे बताइएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।